नेते और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के चुनाव चिन्ह को मजाक उड़ाया है। उद्धव गढ़ के शिवसेना को हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह के तौर पर जलती हुई मशाल का निशान आवंटित किया गया था। इसके बाद आज नितेश राणे ने उद्धव गढ़ की निशान मशाल को आइसक्रीम की कोन कहकर मजाक उड़ाया है। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने सोमवार को शिवसेना को उद्धव ठाकरे धड़े को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। आयोग ने धार्मिक बोध का हवाला देते हुए त्रिशूल पर उसका दावा खारिज कर दिया था। उद्धव गढ़ के निशाना मशाल को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उनका मजाक उड़ाया है। वो मशाल नहीं आइसक्रीम का कोन है। उद्धव ठाकरे का चुनाव निशान मशाल हो नहीं सकता। उस इंसान के अंदर की आग खत्म हो गई है, उस इंसान के हाथ आइसक्रीम का कोन ही सूट करता है। इसलिए चुनाव आयोग ने भी ठीक निशाना दिया है। मशाल नहीं जाने वो तो आइसक्रीम का कोन है। उद्धव ठाकरे चा मशाल चिन्ह होऊ शकत नहीं। त्या माणसामध्ये आग संपलेली आहे, तो फक्त थंड आइसक्रीमचा कोनच असू शकतो। आणि ते बरोबर इलेक्शन कमिशनला कळलं की हा थंड माणूस आहे, ह्याच्या हातात आइसक्रीमचा कोन द्या म्हणून आता घेऊन फिरेल तो आणि त्याचा मुलगा। अभी आइसक्रीम है, जब तक मेरे हाथ में आइसक्रीम का कोन नहीं आता है तो मेरे को क्या मालूम है आइसक्रीम है कि क्या है। शंभर मुलांचे प्रश्न मला विचारतो तू। मराठी दांडियानंतर आता मराठी दिवाळी सुद्धा सुरू होणार आहे आणि वरळी या ठिकाणी आमची दिवाळी तर मराठीच आहे, त्यात करायचं काय? आज दांडिया नव्हता आमचा, वरळीमध्ये फोकस केलेला वरळीला। ए बघा, भाजपचा तो उपक्रम आहे, वळी कोणाची नाही आहे। वळी मुंबईत येते आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि मुंबई महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री भाजपा आणि शिंदेगडाचा आहे, त्यामुळे यांचं काय राहिलं नाही आहे। आता आता राज्य गेलं, मुंबई गेली, आता वळी आली का? नंतर मातोश्री येईल दक्षिण मुंबई भाजपचाच खासदार असणार आणि मुंबईत एकही खासदार शिवसेनेचा येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ। लातूर जिले के कई हिस्सों में जहां राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का काम चल रहा है, वही ग्रामीण इलाकों में सड़क की स्थिति की समस्या सामने आ गई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन बोर्ड की एक बस बुधवार को जलकोट तालुका के उमरदरा गांव के पास गड्ढों के कारण सड़क पर फंस गई। बस के अचानक फंस जाने से चालक और परिचालक असमंजस में पड़ गए। अंत में बस चालक बस से नीचे उतर गए और गड्ढा खोदने लगे। मालवाहक भी उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। गड्ढों को भरने में यात्रियों ने भी मदद की। काफी मशक्कत के बाद बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। जलकोट तालुका सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सड़कें बहुत खराब स्थिति में है। जब कंधार आघार की एसटी कंधार जलकोट बस तालुका के उमरदरा गांव में पास आई तो वह एक खराब सड़क की चपेट में आ गई और उक्त बस सड़क पर बजरी में फंस गई। बस चालक व परिचालक ने सड़क किनारे से पत्थर जमा कर गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। उनकी मदद से बस में सवार सभी लोग उतर गए और गड्ढों को भरने में मदद की। शिंदे समूह के विधायक योगेश कदम ने एक बार फिर पूर्व संरक्षक मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा। इससे पहले योगेश कदम ने जिला नियोजन में विकास कार्यों को लेकर पूर्व संरक्षक मंत्री अनिल परब की आलोचना की थी। विधायक कदम ने पहले आरोप लगाया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव हारने वाले पूर्व विधायक को
नए संरक्षक मंत्री उदय सामंत स्थानीय विधायक को बिना फंड दिए पैसा दिया जा रहा है। हालांकि विधायक योगेश कदम ने जिला योजना समिति के बैठक के बाद नए संरक्षक मंत्री उदय सामंत को बधाई देते हुए पूर्व संरक्षक मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा। पूर्व संरक्षक मंत्री ने विकास कार्यों को राजनीतिक स्वीकृति देने का कदम उठाया है। आज ही जिला योजना समिति के बैठक में अनजाने में संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने आज अच्छा जवाब दिया। यह कहते हुए विधायक योगेश कदम ने पूर्व संरक्षक मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा। उदय जी से मैं अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र से राजकीय वातावरण बघता जनते अंदाज होता कि आजची जी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक आहे ही वादग्रस्त होईल, वाद होतील, परंतु ज्या पद्धतीने त्यांनी आजची बैठक हाताळली, कुठेही वाद न होऊ देता लोकप्रतिनिधींना जो न्याय मिळवून द्यायचा आहे, कारण शेवटी लोकप्रतिनिधी हे जनतेने निवडून दिलेले सगळे प्रतिनिधी आहेत, 3-3.5 लाख जनतेमधून निवडून आल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षा त्या लोकप्रतिनिधींकडनं असतात, आणि म्हणून राजकारणाचा परिणाम हा त्या लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांवरती होऊ नये याची दक्षता सन्माननीय उदयजींनी घेतली, ह्यासाठी मी त्यांचं अभिनंदन करतो। दुर्दैवाने ह्या अगोदरच्या पालकमंत्र्यांनी तसं न करता राजकीयदृष्ट्या विकास कामं मंजूर करायचं त्यांनी जो पायंडा लावला होता किंवा केला होता, मला वाटतं त्याला एक चांगलं उत्तर कळत न कळत आज सन्माननीय उदयजींनी दिलं, त्यासाठी मी त्यांचं अभिनंदन करतो। अपेक्षित विकास कामं तुमच्या गतीमध्ये किंवा अपेक्षा होती ती होतील का? हे नक्कीच, तसा अवधी कमी आहे, फक्त 2 वर्षाचा कालावधी उरला आहे। 2 वर्षामध्ये जवळपास 1 वर्ष हे आचारसंहितेमध्ये जाणार आहे। विधान परिषदेच्या निवडणुका आहेत, लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषद, नगरपंचायतच्या निवडणुका ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्येच होणार आहेत, त्यामुळे नक्कीच आचारसंहिता वगळता जास्तीत जास्त निधीचा उपयोग हा रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होऊन विकास कमी होतील असा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न असेल, आणि त्यासाठी नक्कीच पालकमंत्री म्हणून उदयजींचा आम्हाला सहकार्य मिळेल असं आम्हाला अपेक्षा आहे। मुंबई विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर्स ने दावा किया है कि पूर्व सांसद और भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया के बेटे 31 वर्षीय नील सोमैया को पंजीकरण के 16 दिन के भीतर पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। उन्हें विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट के पीएचडी की डिग्री दे दी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स ने अब डिग्री दिए जाने पर चिंता जताई है और मामले की जांच करने की मांग की गई है। मानदंड के अनुसार छात्र पीएचडी प्राप्त करने के लिए कुछ मामलों में 5 से 6 साल से अधिक समय व्यतीत करता है। नील सोमैया ने अगस्त 2021 को अपनी पीएचडी थीसिस जमा की, उसके बाद 1.5 महीने के भीतर अक्टूबर में उन्होंने मौखिक परीक्षा दी। रिसर्च स्कॉलर्स के अनुसार मौखिक परीक्षा के दूसरे दिन उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। नील ने अपने सोशल अकाउंट से डिग्री हासिल करने की तस्वीरें भी शेयर की है। कई उम्मीदवारों ने अब सोशल मीडिया पर सवाल किया है कि कोई 16 दिनों के भीतर पीएचडी की डिग्री कैसे प्राप्त कर सकता है। इस पर किरीट सोमैया ने अपना बयान दिया है। मुंबई विश्वविद्यालय के पीएचडी स्कॉलर्स ने दावा किया है कि पूर्व सांसद और भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया के बेटे 31 वर्षीय नील सोमैया को पंजीकरण के 16 दिन के भीतर पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। उन्हें विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट के पीएचडी की डिग्री दे दी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स ने अब डिग्री दिए जाने पर चिंता जताई है और मामले की जांच करने की मांग की गई है। मानदंड के अनुसार छात्र पीएचडी प्राप्त करने के लिए कुछ मामलों में 5 से 6 साल से अधिक समय व्यतीत करता है। नील सोमैया ने अगस्त 2021 को अपनी पीएचडी थीसिस जमा की, उसके बाद 1.5 महीने के भीतर अक्टूबर। राज्य आबकारी विभाग के निरीक्षक संदीप कदम ने अपनी टीम के साथ अकलूज कस्बे में एक गोदाम में छापा मारा और नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और उस जगह से नकली देशी शराब, बूझे गोरा शराब, वाहन आदि पूछताछ में 11,58,000 रुपए जब्त किए गए। विस्तृत रिपोर्ट यह है कि राज्य आबकारी मालशिरा संभाग के निरीक्षक संदीप कदम को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर उन्होंने 12 अक्टूबर की तड़के अकलूज शहर के राउत नगर स्थित सोनाज पेट्रोल पंप के पीछे अक्षदा बेकरी स्थित गोदाम में छापेमारी की। नकली देशी शराब का निर्माण स्थल पर पाया गया। नकली देशी शराब बनाने के लिए आवश्यक स्प्रिट मिश्रण, तैयार नकली देशी शराब की खाली बोतलें, फ्लेवर एक्सट्रैक्ट, सीलिंग मशीन, नकली बूचे, नकली लेबल, गोवा द्वारा निर्मित 180 मिलीलीटर क्षमता, राज्य में
6 पेटी विदेशी शराब आदि जप्त की गई। उत्पादन शुल्क विभागाच्या माळशिरस विभागाचे निरीक्षक संदीप कदम यांना आज सकाळी मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे त्यांनी त्यांच्या पथकासह अकलूज शहरातील राऊत नगर येथील सोनास पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागे अक्षदा बेकरी येथील एका गोडाऊनवर छापा टाकला। सदर छापा कारवाईत त्यांना त्या ठिकाणी देशी मद्याचा बनावट मद्य तयार करण्याचा कारखाना उघडकीस त्यांनी आणलेला आहे आणि सदर ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला बनावट देशी दारू तयार करण्यासाठी लागणारे स्पिरिट ब्लेंड, विदेशी मद्य चे प्लास्टिक बुचे, देशी दारू टँगो पंचे बनावट बुचे लेबल्स, मोबाईल आणि एक पिकअप वाहन, तसेच सदरचा सेलिंग करण्यासाठी एक सिलिंग मशीन असा एकूण 11,58,000 मुद्देमाल सदर कारवाई जप्त करण्यात आलेला आहे। तसेच सदर कारवाई दरम्यान त्यांना त्या ठिकाणी गोवा राज्य निर्मित मॅकडॉन नंबर 1 विस्कीचे 6 पेट्या व 750 मिली क्षमतेचे ऍड्रियल विस्की याच्या 19 बाटल्या असं त्यांनी परराज्यातील मद्य साठाही सदर कारवाई जप्त केलेला आहे। सदरची कारवाई माननीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कांतीलाल मोहक साहेब, संचालक अंमलबजावणी व दक्षता सुनील चव्हाण साहेब, पुणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त अनिल जास्कर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक आदित्य पवार, निरीक्षक संदीप कदम, नियम निरीक्षक कैलास छत्रे, राजेंद्र वाकडे, सहायक नियम निरीक्षक रवी पवार, जवान तानाजी जाधव, तानाजी काळे, अशोक माळी, तसेच जवान निवाहन चालक दीपक वाघमारे व संजय नवले यांच्या पथकाने पार पाडलेली आहे। सदर गुन्ह्यात एकूण 2 आरोपी असून त्यातील एक आरोपी हा बावळा तालुका इंदापूर पुणे येथील आहे, त्याचे नाव प्रदीप रमेश माने असे आहे आणि जो दुसरा आरोपी आहे त्याचे नाव शंकर पंडित सुनाडे हा अकलूज येथील रहिवासी आहे। विधायक एकनाथ खडसे ने जलगाव जिला दुग्ध संघ के लापता मक्खन और दूध पाउडर के संबंध में मामला दर्ज करने की मांग को लेकर जलगाव नगर थाने में जैसे ही धरना देना शुरू किया उनकी वाई प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई। पुलिस की ओर से कहा गया था कि खुफिया सेवा विभाग से ऐसा पत्र मिलने के कारण यह सुरक्षा वापस ली गई है। एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पद पर है। एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के पद पर है। भाजपा विधायक और दूध के संघ के निदेशक मंडल के अध्यक्ष मंगेश चव्हाण ने 11 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे से मुलाकात कर बयान दिया। आरोप लगाया गया कि दुग्ध संघ से 14 टन मक्खन और 9 टन दूध पाउडर की आपसी बिक्री से घोटाला किया गया था और इसका मास्टरमाइंड संघ का अध्यक्ष और कार्यकारी निर्देशक है। इस पर एकनाथ खडसे ने अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गेल्या अनेक वर्षापासून आज नाही 1991 पहिल्यांदा माझ्याकडे सुरक्षा देण्यात आली। 91 पासून तर आजपर्यंत काही सुरक्षेमध्ये कमी अधिक बदल करण्यात आले, अचानक रात्री सुरक्षा काढण्यात आली। याचं कारण असं आहे की सरकारच्या विरोधी मी या ठिकाणी आंदोलन केलं, म्हणजे आता सरकारची दडपशाही सुरू झालेली आहे। मी काही सरकारला माला संरक्षण द्या अशी मागणी कधीही केली नव्हती। माझं कोणतंही पत्र मी सरकारला दिलं नव्हतं की मला तुम्ही संरक्षण द्या। मला काही थ्रेट्स आल्या, काही पाकिस्तानमधनं आल्या होत्या, काही UAEमधनं आल्या, काही दुबईमधनं आल्या, अन्य देशांमधून जेव्हा काही थ्रेट्स आल्या आणि त्या कारणासाठी मला या ठिकाणी सुरक्षा देण्यात आली होती। आता ती काढली, चांगली गोष्ट आहे। सरकारला वाटलं काढायची पण अचानक याचं काढण्याचं कारण काय ते माझ्या लक्षात आलं नाही। 3 आले म्हणे आत्ताच्या आता तुमची सुरक्षा काढली, म्हटलं आनंद घेऊन जा, आम्हाला काय करायचं त्याच्यामध्ये। पण माझं म्हणणं असं आहे की जसे तातडी माझी सुरक्षा काढण्यामध्ये सरकारने दाखवली, तसेच तातडी जे 50 खोके घेतले त्यांना देण्यात आलेली सुरक्षा काढण्याच्या संदर्भामध्ये सरकारने दाखवावी। कोणत्या दर्जाची सुरक्षा होती आणि पोलिसांनी नेमकं पत्र काय दिलं? नाही, मला पत्र अजून दिलेलं नाही, पण वाय प्लस सुरक्षा मला होती आणि वाय प्लस सुरक्षा आधी 1991 पहिल्यांदा मला जी सुरक्षा दिली वाय दर्जाची, ते 1991 पासून तर 2022 पर्यंत अशी सुरक्षा मला होती। आत्ता अचानक ती काढण्यात आली, म्हणजे जवळपास 9 आणि 22 31 वर्षानंतर ती काढण्यात आली। याचं कारण काय आहे मला समजलं नाही। काढलं त्याचंही दुःख मला नाही आहे, मी सक्षमही आहे, सरकारला माझी चिंता आहे। पण ज्यांनी खोके घेतले त्यांनी जी सुरक्षा घेतलेली आहे त्याचं केव्हा काढणार आहे हा प्रश्न सरकारला माझा आहे।